नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोसेरीन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों साइक्लोसेरीन कैप्सूल्स क्या होती हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि ये मेडिसिन होती क्या है, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनकी डोज क्या होती है, इनके स्पेशल प्रिकॉशन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इनकी ब्रांड कौन कौन से आती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइक्लोसेरीन कैप्सूल्स के बारे में कि ये होती क्या है। दोस्तों साइक्लोसेरीन कैप्सूल एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ज्यादातर देखा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस के डिफरेंट जो उसके वैराइटीज हैं या उसकी स्पेसीज हैं वहां से ये कल्चर की जाती है, वहां से ये बनाई जाती है। दोस्तों ये मेडिसिन एक प्रकार की सेकेंड लाइन मेडिसिन होती है ट्यूबरकुलोसिस में जो कि यूज की जाती है। तो जब फर्स्ट लाइन की मेडिसिन सही से काम नहीं करती तब हम लोग साइक्लोसेरीन का यूज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उसकी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो उसी की एक कैटेगरी चल रही है। तो उसमें आज अगली ये मेडिसिन होती है जो कि है साइक्लोसेरीन, जो कि सेकेंड लाइन मेडिसिन है। इसके अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करें तो ज़्यादातर ब्रांड्स इसकी हम लोग, बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं इसको। ये साइक्लोरिन के नाम से आती है, मैसर के नाम से आती है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आप कोई ब्रांड ले सकते हैं। मैं ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग प्राइस होती है एंड हो सकता है बहुत महंगी मैं मेडिसिन बता दूँ और आपको लगे कि बहुत महंगी है। तो आपको अगर कोई जेनरिक मेडिसिन मिलती है या आपको कोई भी ब्रांड मिलती है तो आप उसको ले सकते हैं, बशर्ते उस पर साइक्लोसेरीन लिखा होना चाहिए जो कि इसका नेम होता है, जो कि इसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट हम लोग साइक्लोसेरीन कैप्सूल्स के बारे में अगर इसके यूजेस की बात करें तो लाइकली जैसे अभी तक हम लोगों ने बात करी कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं, तो इसको भी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं एज अ सेकेंड लाइन ड्रग जो कि पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज की जाती है। यानी कि फेफड़े से संबंधित आपको टीबी या फेफड़े के अलावा अगर कोई टीबी है तो वहां पर भी हम लोग साइक्लोसेरीन का यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको बोन की टीबी है या कोई दूसरी टीबी है, आंतों की टीबी है, तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं साइक्लोसेरीन को। नेक्स्ट अगर हम लोग साइक्लोसेरीन कैप्सूल्स के कुछ डोजेस की बात करें कि आपको ये लेनी कैसे है, तो इसकी डोज क्या होती है, तो ये मेडिसिन जो है बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। यानी कि 15 से 20 mg की मेडिसिन पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो 500 mg की मेडिसिन ये दी जाती है दिन में 2 बार, सुबह और शाम को दी जाती है, खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। तो ये इसकी डोज होती है साइक्लोसेरीन की। एंड मैक्सिमम जो डोज होती है, दिन भर में आप 1 ग्राम से ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, और 1 ग्राम अगर ले भी रहे हैं तो आपको 2 डिवाइडेड डोजेज में लेनी होती है। यानी कि सुबह शाम 500 mg की लेनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया एडल्ट के अंदर। एंड बच्चों के अंदर हम इसकी बात नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर आप बिना डॉक्टर की सलाह से आप ये मेडिसिन ना लें। साइक्लोसेरीन के कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की बात करें कि आपको मेडिसिन कब नहीं लेनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो हर मेडिसिन के साथ में कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि अगर आपको इससे एलर्जी है तो ना लें, एपिलेप्सी की कंडीशन में ना लें, डिप्रेशन है तो डॉक्टर से बात करें, साइकोसिस है यानी कि दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बात करें, बिना डॉक्टर से बात की आप मेडिसिन ना लें। रीनल फेल्योर आपको कभी हुआ है पास्ट में तो आप इसको यूज ना करें, रीनल से संबंधित आपको, रीनल मतलब किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसको यूज ना करें। अल्कोहलिक्स हैं आप, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तब भी आप साइक्लोसेरीन का खुद यूज ना करें अपने बिना डॉक्टर से बात किए। दोस्तों ये मेडिसिन के लिए आपको कुछ ध्यान देना होता है कि ये मेडिसिन CNS टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, एंड अगर आपके अंदर CNS टॉक्सिसिटी पहले से है तब आप ये मेडिसिन ना लें। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी तो ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर एनीमिया है तो बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना डॉक्टर से बताए आप ये मेडिसिन ना लें। आपको हिस्ट्री अपनी ज़रूर बतानी चाहिए अपने डॉक्टर को कि ऐसा मेरे साथ है। एंड पेडियाट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों में ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, एंड प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लैक्टेशन है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में मतलब दूध में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो आपको ये मेडिसिन नहीं यूज करनी होती है, ना तो बच्चों में, ना ही प्रेगनेंसी में और ना ही लैक्टेशन में। तो साइक्लोसेरीन की तो ये कुछ बात हो गई स्पेशल प्रिकॉशंस की। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। दोस्तों इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो डिजीनेस देखने को मिलता है, मतलब आपको चक्कर आ सकता है, हेडेक देखने को मिलता है, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं यानी कि आपके हाथ पैर कप सकते हैं, हाथ पैर के या फिर बॉडी के कोई भी हिस्से में कपकपी हो सकती है, नर्वसनेस देखने को मिलता है, प्रॉब्लम हो सकती है, साइकाइटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द साइक्लोसेरीन। एंड आपको विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, यानी कि आपको हो सकता है कि कम दिखाई पड़े या फिर आपको ब्लर्ड विजन्स में समस्या, मतलब कि विजन जो है वो ब्लर हो जाए, तो ये सारी साइड इफेक्ट होती हैं। इसी के साथ में सीजर्स आ सकते हैं, झटके लग सकते हैं बॉडी में अगर बहुत लंबे समय तक साइक्लोसेरीन यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। ये जो सारे साइड इफेक्ट है इसमें माइल्ड टू मॉडरेट हैं, नॉर्मली आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं देखने को मिलेंगे, कुछ तब देखने को मिलेंगे जब बहुत लंबे समय तक आप यूज करें।
दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी साइक्लोसरीन के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।